लाइफ uh, में आप बोलते हैं इन सेंटेंस को तो तो चलिए जानते हैं इन सेंटेंस को कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाता है तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है नाश्ता खाकर जाना मुझसे मिलकर जाना मुझे सोचकर बताना दूध पीकर सोना मेरे लिए कुछ लेकर आना मेरे लिए बिस्कुट लेकर आना नहाकर खाना खाना विद्यालय पहुंचकर कर कॉल करना मिठाई जरूर खाकर जाना तो आप देख सकते हैं इन सारे सेंटेंस में एक कॉमन चीज आया होगा कर, कर कर और कर क्या चीज में लगा हुआ है क्रिया में लगा हुआ है खा क्या है क्रिया है मिल क्या है क्रिया है जैसे मिलकर खा कर सोच कर ठीक है तो ज्यादा सेंटेंस नहीं है नाइन सेंटेंस ही है और सारे सेंटेंस में क्या लगा हुआ है कर और कर क्या है सारे सेंटेंस में कॉमन है ठीक है तो इस टाइप के सेंटेंस को आप कौन से स्ट्रक्चर के आधार पर आप बनाएंगे ठीक है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस वर्फ की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वर्क की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जो वर्क की फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें आई एन जी लगा करके वर्फ की फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है ओके तो चलिए आप सीखते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा ये तो आपको देखिए जो काम पहले होगा ठीक है उसमें वर्क की फोर्थ फॉर्म लगाना है उसके बाद जो काम होगा उसमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाना है ठीक है तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं नाश्ता खाकर जाना नाश्ता खाकर जाना तो हमारा पहला सेंटेंस है नाश्ता खाकर जाना और इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा जिस क्रिया के साथ कर लगा रहेगा ठीक है तो उसमें वो आपकी फोर्थ फॉर्म लगाना है ठीक है और जिस क्रिया में कर नहीं लगा रहेगा उसमें वर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगाना है जिस क्रिया में कर लगा रहेगा तो उसमें वर्फ की फोर्थ फॉर्म लगाना है इस चीज को अपने माइंड में अच्छे से, से सेट कर लेना है और जिस क्रिया में कर नहीं लगा रहेगा तो उसमें वर्फ की फर्स्ट फॉर्म लगाना है ठीक है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है यदि सब्जेक्ट आप देना चाहते हैं जैसे किसी का नाम दे सकते हैं मोहन नाश्ता खाकर जाना तो मोहन लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में ठीक है और यहां पे किसी का नाम नहीं है वैसे बोल रहे किसी को बोल रहे हैं ऐसा सब्जेक्ट तो है बट उसका नाम नहीं ले रहे हैं ठीक है तो आप वर्क की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करेंगे ठीक है तो जाना इसमें कर नहीं लगा है तो इसमें वर्क की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो जाना का इंग्लिश क्या हो जाती है गो गो उसके बाद आफ्टर गो आफ्टर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसमें जिसमें जिस क्रिया में कर लगा रहेगा ठीक है खाकर तो क्या हो जाएगा ईटिंग और ईटिंग की जगह पे आप हैविंग का भी यूज कर सकते हैं जैसे हैविंग लगाते हैं हैविंग नाश्ता ब्रेकफास्ट और लास्ट में फुल स्टॉप ठीक है गो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है तो यहां पे ईटिंग भी लिख सकते हैं जैसे गो आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट गाइस तो आई होप कि अभी तक मैं जो समझाई हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं मुझसे मिलकर जाना तो पहले क्या लिखेंगे जाना की इंग्लिश गो उसके बाद आफ्टर लगाएंगे गो आफ्टर उसके बाद क्या है मिलकर तो मिलना क्या मीस होता है मीट तो इसमें कर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा वर्किंग फोर्थ फॉर्म मीटिंग मुझसे क्या है ऑब्जेक्ट है मी गो आफ्टर मीटिंग मी मुझसे मिलकर जाना गो आफ्टर मीटिंग मी मुझे सोचकर बताना तो बताना के इंग्लिश बोले लेना है टेल देन उसके बाद आफ्टर आफ्टर टेल आफ्टर उसके बाद क्या है सोचकर तो थिंक में सोचना होता है और उसको क्या करना है वर्ड की फोर्थ पो मिलाना है तो आंज लगाना है तो क्या हो जाएगा थिंकिंग थिंकिंग मुझे क्या है ऑब्जेक्ट मी टेल आफ्टर थिंकिंग मी मतलब मुझे सोचकर बताना टेल आफ्टर थिंकिंग मी एंड फोर्थ सेंटेंस है दूध पीकर सोना तो सोना इंग्लिश स्लीप उसके बाद आफ्टर स्लीप आफ्टर पीकर तो ड्रिंकिंग हो जाएगा ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो जाता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ऑब्जेक्ट क्या है दूध मिल्क स्लीप आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क मतलब दूध पीकर सोना मेरे लिए कुछ लेकर आना आना कम कम देन उसके बाद आफ्टर कॉम आफ्टर क्या है लेकर ब्रिंग तो उसमें क्या लगाना है आयन जी ब्रिंग ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग क्या है कुछ समथिंग कुछ की इंग्लिश समथिंग ऑब्जेक्ट क्या है मेरे लिए फोर मी कॉम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फोर मी मेरे लिए बिस्कुट लेकर आना मेरे लिए बिस्कुट लेकर आना आना के इंग्लिश पढ़े लिखेंगे कॉम उसके बाद आफ्टर कॉम आफ्टर उसके बाद लेकर ब्रिंगिंग ब्रिंग की फोर्थ फॉर्म में ब्रिंगिंग होता है ब्रिंग में आई लगाएंगे तो वर्ड की फोर्थ फॉर्म बन जाता है कम आफ्टर ब्रिंगिंग क्या है बिस्किट बिस्किट फॉर मी फॉर मी मतलब मेरे लिए ठीक है कम आफ्टर ब्रिंगिंग बिस्किट फॉर मी नहाकर खाना खाना तो खाना की इंग्लिश इट बोल सकते हैं बट इट के जगह पे आप हैव हाँ भी लगा सकते हैं गलत नहीं होगा हैव हैव यहां पे स्मॉल एस आ गया था जब जबकि कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो कैपिटल से शुरू करना पड़ता है have food, उसके बाद आफ्टर हैव फूड आफ्टर उसके बाद क्या है वर्क फोर्थ फॉर्म ये नहाकर बाथिंग हैव फूड आफ्टर बाथिंग मतलब नहाकर खाना खाना विद्यालय पहुंचकर कॉल करना तो क्या हो जाएगा कॉल करना ठीक है कॉल आफ्टर पहुंचकर रीचिंग रीच मींस पहुंचना तो क्या हो जाएगा वर्किंग फोर्थ फॉर्म में रीचिंग रीचिंग ऑब्जेक्ट क्या है विद्यालय स्कूल कॉल आफ्टर रीचिंग स्कूल मिठाई जरूर खाकर जाना जाना गो देन क्या होगा आफ्टर उसके बाद क्या है खाकर ईटिंग क्योंकि जिस क्रिया में कर लगाकर आएगा तो उसमें क्या करना है आयन जी लगाना है ठीक है तो ईट मींस खाना होता है तो आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो आपकी फोर्थ फॉर्म ईटिंग गो आफ्टर ईटिंग स्वीट्स मिठाई गो आफ्टर ईटिंग स्वीट्स मतलब मिठाई जरूर खाकर जाना तो गाइज आज का जो ये सेंटेंस तो था ज्यादा था नाइन्थ हो ही था जो कि आप रोज अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ठीक है तो जब भी आपको इस तरीके सेंटेंस बोलना हो तो आप इन्हीं स्ट्रक्चर को यूज करके आप बोलेंगे ठीक है तो स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, ठीक है और मैं एक चीज और फिर से मैं बताना चाहूंगी आ, जिस क्रिया में कर लगा रहेगा उसी क्रिया को आप क्या करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म करेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब जो है ना डबल डबल है मेन वर्ब ठीक है तो जिस क्रिया में कर लगा रहेगा उसमें आप क्या करेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे ठीक है इस इसको माइंड में रखिएगा और लास्ट वाला जो क्रिया होगा उस क्रिया को पहले लिखना है ठीक है जो कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा यदि यहां पे आप सब्जेक्ट देना चाहेंगे जैसे मोहन नाश्ता खाकर जाना तो यहां पे आप कैसे करेंगे आ, मोहन मोहन और कहाँ डालेंगे और क्या बोलेंगे गो आफ्टर हैविंग यहाँ पे हैविंग के बदले में आप ईटिंग भी बोल सकते हैं और हैविंग भी बोल सकते हैं ठीक है आपको जो इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं बोल सकते हैं ठीक है तो मान लीजिए ईटिंग इत, लिखते हैं ईटिंग ब्रेकफास्ट मोहन गो आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट मतलब मोहन नाश्ता खाकर जाना तो गाइज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे वन आप सभी को कैसे लगी यदि अच्छी लगी हो कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও সিম ইন দা নেক্সট ভিডিও বা বাই টেক কেয়ার